अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए जो बेस्ट किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ, वो आप देखकर सुनकर बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं और हर कोई हाइड्रा फेशियल बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो जो ये चाहता है कि हाइड्रा फेशियल के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप हासिल कर सके, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको घर बैठे कुछ इतने महंगे महंगे फेशियल्स हैं जो इस वक्त जो हाइड्रा फेशियल की इस वक्त प्राइस चल रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 4000 टू 6000 8000 से भी अबव जा रही है। तो मतलब है उसके इतने ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। जरिए बता, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए आज मैं लेकर आई बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का रिजल्ट, हाइड्रा फेशियल एट होम। अगर इसके रिजल्ट्स वैसे ना हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएगा कि इसके रिजल्ट्स वैसे नहीं है, क्योंकि आज आपकी वीडियो आप लोगों ने मेरे कहने पर पूरी वॉच करनी है और इस फेशियल को घर में अप्लाई भी करना है, बनाना है और आप भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस हाइड्रा फेशियल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो ये समझते हैं कि एक रात में हम ये यूज़ करेंगे और एक ही बार यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा इस तरह के मैजिकल रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम अज़ कम जो है इसको 7 to 8 टाइम यूज़ करना होगा और उसके बाद आपको रिजल्ट खुद दिखेंगे। अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो मुझे ज़रूर बताएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे बेहतरीन है कि अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले, तो आप ये रेमेडी ये फेशियल यूज़ करने से पहले अपनी पिक्चर ले लीजिए और उसे रख लीजिए, फिर 7 to 8 टाइम आप यूज़ कर लीजिए और उसके बाद अपनी पिक्चर लीजिए और दोनों पिक्चर्स को मैच कर लीजिए। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके अपना मोबाइल अपनी पिक्चर आपको खुद बता देगी कि इसके रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त है, ठीक है जी। तो जिनकी नॉर्मल स्किन है उनको तो उसी वक्त इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ख़राब है वो थोड़ा यूज़ कीजिए, तकरीबन थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर ही उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, रिजल्ट्स गारंटी है, ठीक है। अगर रिजल्ट मिले तो मुझे लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, आप दुआ में भी याद रखना है। और जो जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से आज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो जो जितने भी लोग हैं आप लोगों के इर्द गिर्द जो ये इस फेशियल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें भरपूर फ़ायदा हो और आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को लेके चलते हैं आपके हाइड्रा फेशियल की तरफ। हाइड्रा फेशियल के लिए जो सबसे पहला आपने काम करना है, जो घर पर अब हाइड्रा फेशियल इसकी जो कॉस्ट होगी, मैं पहले वो बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ होंगे या 40 रुपीज़ लग देंगे, इससे ज़्यादा आपका कोई पैसे नहीं लगेंगे। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब आपके घर में मौजूद होती हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाइड्रा फेशियल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हाइड्रा फेशियल के 4 स्टेप होते हैं, तो हम भी एग्जैक्टली 4 स्टेप ही करेंगे घर पर। तो सबसे पहले आपने ये स्टेप करने से पहले अपने फेस को फेस वॉश से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं या आपकी ज़रूरी पता स्किन पर डर्ट होता है, आप बाहर जाते हैं और मिट्टी लग जाती है, डस्ट आपके फेस पर पड़ती है, या फिर आपने कोई भी मेकअप वगैरह किया हुआ है, तो उसको आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप या तो कोई भी बेस्ट किस्म का जो भी आप फेस वॉश आपको यूज़ करते हैं उससे अच्छी तरह से क्लींजिंग कर लीजिए, या फिर वाइप ले लीजिए, वाइप की मदद से अच्छी तरह से नीट कर लीजिए। वो भी नहीं है तो कोई भी एलमंड ऑयल के ले लीजिए, या फिर वो कोकोनट ऑयल जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए, वो ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से हल्की सी क्लेंजिंग कर लीजिए और अपने फेस को फेस वॉश कर लीजिए और नीट कर लीजिए, ठीक है जी। ये हो गया सबसे पहले हमारा फेस नीट हो गया। अब हम चलते हैं हाइड्रा फेशियल के फर्स्ट स्टेप की तरह। सबसे पहले जो हमने करना है हाइड्रा फेशियल के लिए जो चीज़ें लेनी है, सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और उस बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आपके पास जो बॉयल मिल्क है या कोई भी कंटेनर या बॉक्स वाला जो भी मिल्क होता है वो है तो वो ले लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन रॉ मिल्क में ये होता है कि रॉ मिल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, जो बॉयल होने के बाद थोड़ी सी वो ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आपको रॉ मिल्क मिल जाए, तो ज़्यादा बेस्ट ना हो तो जो है वो चलेगा, ठीक है। 2 टेबलस्पून एक बाउल में आपने रॉ मिल्क ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ग्लिसरीन ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको लेके किसी भी कॉटन ले लीजिए या कोई भी इस तरह का वो कॉटन लेके आप उसमें डिप करना है, अच्छी तरह से डिप करके अपने फेस पे अच्छी तरह से उसको क्लींजिंग टाइप करनी है। क्योंकि लेकिन बाज़ लोगों का एक ये इशू भी हो जाता है कि जो कॉटन होता है किसी की स्किन जो होती है यहाँ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है या नहीं कोई भी चीज़ है, या फिर कॉटन इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो उससे हम रब करते हैं तो हमारी स्किन उतर जाती है, रैश पड़ जाती है।
लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा इशू होता है तो आप सिंपल फिंगर्स लीजिए, फिंगर्स उसमें डिप कीजिए, डिप करके फिंगर्स की मदद से आप पूरे फेस पे अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लीजिए। कम से कम 10 मिनट तो आपने लाजमी करना है, 10 मिनट क्लिनजिंग कर लीजिए। क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस को एक बॉल में पानी ले लीजिए, इसमें स्पंज डालिए या फिर जो भी आप वाइप जिससे स्पंज यूज़ करेंगे वो लेके उसे आपने पूरे फेस को अच्छी तरह से नीट कर लेना है। ये जो होगा हमारी स्किन से डेड स्किन को सारा नीट करेगा, हमारे जो भी ब्लॉक हुए हुए होते हैं ना, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको खोलेगा, उनको अंदर से नीट करेगा और हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। हाइड्रेट करके क्योंकि जो इसका हाइड्रा का जो फेशियल होता है, इसमें इसका सबसे जो मेन काम होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करेगा और नीट करेगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा एक्सफोलिएशन। क्या है सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सफोलिएशन करना है स्किन को। एक्सफोलिएशन करने के लिए आपको एक बाउल में ले लेनी है, क्या ले लेना है, 2 टेबल स्पून बेसन ले लेना है। अगर आप लोगों को, वैसे तो बेसन कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे किसी को कोई भी नुकसान हो या स्किन को कोई नुकसान देता हो, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि उससे उसको कोई एलर्जी है या कुछ भी एक्स वाई जेड इशू होता है, तो वो मसूर की दाल पिसी हुई अच्छी तरह से जो पाउडर फॉर्म में होती वो 2 टेबल स्पून ले लीजिए। 2 टेबल स्पून या बेसन का आटा ले लीजिए या फिर मसूर की दाल का आटा ले लीजिए, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको सूट करती हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। उसको एक बॉल में डाल लीजिए। बॉल में डालने के बाद उसमें आपने ऐड करना है पानी। पानी डाल के उसको इतना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल हार्ड नहीं रखना है, बिल्कुल क्लिनजिंग टाइप का पतला कर लेना है। पतला करने के बाद उसको आप अपने फेस पे आपने अप्लाई करना है और उसका तकरीबन 15 मिनट तो कहीं नहीं जाते, 15 मिनट तो लाइट फिंगर्स के साथ अपने फेस पे उसकी क्लिनजिंग करनी है, अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज करने इतना मसाज करना है कि आपकी स्किन पूरी अच्छी तरह से उसके जो रिजल्ट है वो हो जाए, क्योंकि आपको जब बेसन होता है आप लगा के छोड़ देते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, वो आपकी स्किन को टाइट करता है। ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और अब बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट है। आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए, मुझे ज़रूर बताएगा इसके आपको रिजल्ट, क्योंकि बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैंने खुद यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको लगा लेना है, इसको लगा के छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। लगाने के बाद आपने इसकी फिर इसे अच्छी तरह से मसाज करना। मसाज करने के बाद 15 मिनट के बाद आपने इसको भी अच्छी तरह से नीट कर लेना है। नीट करके फिर आपने आ जाना है अपने थर्ड स्टेप। क्या है थर्ड चीज़ जो हमने बनानी है? वो है जी मसाजिंग क्रीम। यार ये इसके इतने कोई बेहतरीन रिजल्ट है, इतने कोई, मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाएगा अगर आप ये वाला वो बनाएंगी ना, आई स्वेयर आप लोग दिल खुश हो जाएगा। और आप लोग, अगर आप लोग को फ़ायदा ना हुआ तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपने आके कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। ये मसाजिंग क्रीम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो चाहिए बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर उन लोगों के लिए है जो लोगों के पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं या घर पर इतना टाइम नहीं दे सकते, तो वो सिंपल बीट रूट पाउडर लीजिए और लेके इसको मिक्स करके पी लीजिए, इसको बना लीजिए, बना के इसको फेस पे अप्लाई कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। लेकिन इसकी जो पूरी मैं क्रीम बताने के लिए आपको बता रही हूँ, उसमें बीट रूट पाउडर ले लीजिए। अगर आपके पास, वैसे मैं आपको जो लोग घर पर है जो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं उनको मैं कहूँगी आप बीट रूट पाउडर की जगह चुकंदर ले लीजिए, क्योंकि चुकंदर के जो जूस होता है उसका रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट है। इसके भी रिजल्ट एक्सीलेंट है, लेकिन ये कि ये बाहर की चीज़ है, अगर जितनी कहते हैं ना ओरिजिनल आप चीज़ें यूज़ करेंगे उतने ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो आप बीट रूट पाउडर ले लीजिए या फिर ले लीजिए चुकंदर का जूस, चुकंदर कट कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। 2 टेबल स्पून आपने उसमें चुकंदर का जूस ले लेना है। उस जूस के अंदर आपने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एलोवेरा जेल, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने थर्ड चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून क्या ऐड करना है? ग्लिसरीन। और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून उसमें आपने रोज़ वाटर ऐड कर लेना है। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका एक लिक्विड टाइप का बन जाएगा ये। यार इतने को इसकी ज़बरदस्त रिजल्ट है ये यूज़ करने के बाद। ऐसे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है, मैं कहती हूँ इसके मैं कहती हूँ हाइड्रा फेशियल से भी शायद, मुझे लगता है कि घर बैठे बैठे अगर आपको 20-40 रुपीज़ में इतने भी एपी रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने पैसे आप ज़ाया करें, वही आप कहीं और सर्व कर लीजिएगा, आपके कहीं और काम आ जाएंगे। तो इसका आपने अच्छी तरह से लिक्विड बना लेना और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना, और इसका भी कंटिन्यूसली कम से कम जितना आप कर सकें
मसाज करना है इसका तो मैं आपको कहूँगी 15 की जगह 20-25 मिनट भी, अगर आप कर सके ना तो कर ले, नहीं कर सकती तो 15 मिनट इसका अच्छी तरह से मसाज कीजिए, गर्दन पे कीजिए, अपने जो डार्क सर्कल जो होते हैं इन जगह पे कीजिए, पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन या कुछ भी आपको लगता है उस जगह पे अच्छी तरह से मसाज करें, बड़े प्यार से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपने इसको भी अच्छी तरह से नीट कर लेना है और इसके रिजल्ट आपको उसी वक्त दिखना शुरू ये भी हो जाएगा जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप है आपका मास्क। आपका मास्क के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बाउल में 1 या 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए राइस फ्लावर ले लीजिए, मतलब चावलों का आटा ले लीजिए, इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों ले सकते हैं। वैसे तो इनके कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो इनमें से जो आप चाहे मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लीजिए, चाहे आप राइस फ्लावर यूज़ कर लीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ 2 टेबल स्पून ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन डालिए और इसका लिपट अच्छी तरह से बना लीजिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फेक है या कुछ है तो इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लीजिए, डाल के इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत ही ये भी पतला सा लिक्विड बन जाएगा। बनने के बाद इसको और इसका भी आपने लाइट फिंगर से पूरे फेस पर इसका मसाज करना है, इसको लगाना है अच्छी तरह से लगा के। मसाज मतलब है इसका 15 मिनट मसाज नहीं करना, मतलब हल्का हल्के हाथों से मसाज इस तरह से करके, एक मिनट भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको प्यार से आपने लगा देना है पूरा, जिस तरह से मास्क लगाया जाता है उस तरह लगा दीजिए, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन है, ये ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आपने लगा के तकरीबन 20 मिनट या 30 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद इसके रिजल्ट देखेगा, इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है यार, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को, मैं गारंटी दे रही हूँ, 100% श्योर कि आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे, आप लोगों को घर बैठे इतने भी एक रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मास्क लगा लीजिए, मास्क लगाने के बाद आप फेस को नीट कर लीजिए। मैं सबसे एक और चीज़ सबसे मेन चीज़ मैं बता दूँ, इसमें ग्लिसरीन है तो अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऑयली स्किन के लिए या फिर ड्राई स्किन के लिए, मेरी ऑयली स्किन है और अच्छी खासी ऑयली स्किन है और मैंने ये यूज़ किया, उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप इसके लिए ऑयली स्किन वाले भी इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑयली स्किन वाला यूज़ कर रहा है तो उसके बाद उसे इसे मास्क लगाने के बाद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप रोज़ वाटर से आप पूरे फेस को हाइड्रेट कर लीजिए, बस इनफ है। अगर कोई किसी की ड्राई स्किन है और वो ये यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये वाला फेशियल करने के बाद ड्राई थोड़ी सी ड्राई स्किन हो जाती है, ऑयली नहीं होती, ड्राई हो जाती है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई रोज़ वाटर यूज़ कर लीजिए पूरे फेस को हाइड्रेट करने के लिए। उसके अलावा कोई भी जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं अच्छी तरह, वो लेके थोड़ा सा इसको इस तरह से करके पूरे फेस पे आपने लगा लेना है, इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। प्लीज़ मुझे आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताना है कि आपको कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। मुझे 100% श्योर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही मिलेंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको भी इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अपना ओपिनियन का साथ देना मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।